तो मूवी के स्टार्ट में हम तो डायनासोर्स को देखते हैं जो कि एक कपल होता है। उनके सामने उनके तीन अंडे पड़े होते हैं जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर्स निकलने वाले थे। जल्द ही वो अंडे टूटते हैं और तीन की ओर से डायनासोर्स बाहर आते हैं। उनमें से दो डायनासोर साइड में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी छोटा था और बाहर भी नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। वो कपल डायनासोर अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करता था, इनमें बहुत ज्यादा प्यार था और अब तो इनके बेबीज भी हो चुके थे तो ये प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। अब टाइम गुजरता जाता है और ये बेबी डायनासोर सब कुछ बड़े हो चुके थे। आर्लो के अलावा बाकी डायनासोर काफी एक्टिव थे, वो अपने पेरेंट्स की हर काम में हेल्प भी करवाया करते थे, लेकिन जब आर्लो को कुछ कहा जाता तो वो काम उसे हो ही ना पाता था। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वो उनको समझाते हैं कि देखो जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत ज्यादा खाना स्टोर करना है। उन्हें एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसके अंदर वो खाना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहां लगाते हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है, लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, जब तक तुम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम सब फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम्हें भी लगे कि हाँ तुमने जिंदगी में कुछ कर लिया है तो उस दिन तुम फुटप्रिंट लगा लेना। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि कब मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाए। फादर डायनासोर कहते हैं कि चलो आज के दिन मैं तुम लोगों को टेस्ट करूंगा, तुम लोगों ने मेरे कहे गए काम अच्छे से कर लिया तो बेशक आज ये फुटप्रिंट लगा देना। सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आर्लो भी बेचारा डर रहा होता है। अब आर्लो का भाई बड़े बड़े दरख्त उठाकर लकड़ियां इकट्ठी करता है और आर्लो की बहन सारा फार्म साफ करती है। अब उन दोनों को परमिशन मिल जाती है फुटप्रिंट लगाने की, लेकिन अगर आर्लो की बात की जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उससे हो ही नहीं पा रहा था तो उसके फादर उसको अलाउ नहीं करते। आर्लो बहुत हर्ट हो जाता है और तभी उसका भाई आकर उसे छेड़ने लगता है कि छोटे बच्चे तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो आर्लो उसे कहता है कि ऐसे नहीं करो, मुझे बुरा फील होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाई उसे फिर भी छेड़ता रहता है। तो तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो आर्लो के भाई को डांटती है कि भाई को ना तंग करो। तो आर्लो कहता है कि आप सबको ये लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा यहाँ पर। जब रात को आर्लो सो रहा होता है तो उसके पास उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा मेरे साथ चलो। रात में वो दोनों वॉक करने लग जाते हैं जो कि काफी क्यूट सीन है। आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर आर्लो सो जाता है। जब लोग सुबह उठते हैं तो आर्लो के फादर देखते हैं कि उनका स्टोर किया गया खाना कोई ले गया है, यानी वहाँ पर कोई ऐसा जानवर आया था या तो उनका खाना खा गया या तो अपने साथ ले गया चुरा कर। वो सब काफी परेशान होते हैं, लेकिन आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूं और देखूं कि तुमने मेरी बातों का कितना असर लिया, तुमने कितनी सीखी मेरी बातें। तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस जानवर को पकड़ कर लाना है जिसने हमारा खाना चुराया, उसे जाल में फंसाना होगा और फिर उसे मारना भी होगा, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें भी अलाउ कर दूंगा वहाँ फुटप्रिंट लगाना। आर्लो भी सुनकर काफी एक्साइटेड था। आर्लो के फादर जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। फिर आर्लो वेट करने लगता है कि वो जानवर कब आए। जहाँ पर उन लोगों ने ट्रैप लगाया वहाँ पर वो कॉर्न्स रख देते हैं। अचानक से एक जंगली बच्चा आता है और उन कॉर्न्स को उठाने लगता है, यानी असल में चोर कोई जानवर नहीं बल्कि यही जंगली बच्चा था। अब आर्लो जल्दी से अपना ट्रैप उसके ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा नेक में फंस चुका था, लेकिन वो काफी चिल्लाता है। वो अपनी जुबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्लो उसे सुनकर और देख के काफी डर जाता है। वो कहता है कि ये किसी अजीबोगरीब चीज है, जल्दी से घबरा कर ट्रैप उठा देता है। वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। जब आर्लो के फादर वहाँ पर आते हैं तो उसे डांटते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़ कर भी छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर रखा है, डरना छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। अब आर्लो के फादर उसे यूं ही नहीं डांट रहे थे, वो भी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने जिससे दुनिया डरे, न कि वो लोगों से डरे, क्योंकि पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए ही तो डांटते हैं। आर्लो के फादर उसे अपने साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। साथ ही बारिश होने लगती है, मौसम काफी खराब हो रहा था। आर्लो डरने लगता है और अपने फादर से कहता है कि डैडी वापस चले, मौसम खराब हो रहा है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि चुप करो बेटा और मेरे साथ चलो बस। आसमान पर काफी ज्यादा बिजली गरजने लगती है। आर्लो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो काफी डरपोक था। अब बारिश होने की वजह से वो लोग पत्थरों पर बार बार स्लिप हो रहे थे। चलते चलते आर्लो का भी पांव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो आर्लो अपने डैड से कहता है कि डैड बस अब और नहीं ना। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो, अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। चलो ठीक है आज के लिए इतना ही और अब हम वापस जाते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है, तेज हवा चल रही होती है यानी तूफान आ जाता है। पत्थरों के साथ साथ यानी नीचे फ्लड आने लगता है, उसके साथ हर चीज बहकर आने लगी थी। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा फौरन से ऊपर जाओ। वो अपने मुंह और अपनी टेल से अपने बेटे आर्लो को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं कि ये कहीं फ्लड में न बह जाए, लेकिन खुद वो नीचे रह जाते हैं। फ्लड उन्हें बहा कर ले जाता है। यहाँ पर स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाती है क्योंकि ये बहुत इमोशनल सीन था। आर्लो अब अपने फादर को खो चुका था। अब आर्लो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अब वो भी अपने बाकी बहन भाइयों के साथ काम करवाने लगा था, वो काफी उदास रहता था। एक दिन आर्लो काम कर रहा होता है तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। तो उसके दिमाग में फौरन से वो बात क्लिक होती है कि उसके फादर ने कहा था कि उसे पकड़ कर मार देना, तो उसके पीछे भागने लगता है। आर्लो उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन तभी वो नदी में गिर जाता है और वहाँ से बह बह कर कहीं दूर आ जाता है। वो बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आता है तो
खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है। उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। उसे अपने फादर की भी बात याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो फिर घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो कि दरख्त पे काफी ऊपर लगा हुआ था। आर्लो एक पत्थर के ऊपर अपने पांव रख के वो फल खाने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर स्लिप हो जाता है और आर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब आर्लो का पांव उस पत्थरों के अंदर स्टक हो गया था। काफी कोशिश करता है खुद को फ्री करने की, लेकिन फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है, इवन ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और आर्लो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख होती है तो वो देखता है कि उसका पांव फ्री है। किसी ने वहां पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे फुटप्रिंट्स थे। वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट्स हैं, उसी ने आर्लो को फ्री किया है। आर्लो हिम्मत करता है और उठता है, आसपास की लकड़ियां इकट्ठी करके खुद के लिए एक होम बनाने लगता है, यानी शेल्टर जिसमें वो रहेगा। तभी वहां पर वो जंगली बच्चा दोबारा आता है। वो आर्लो के लिए एक लिजर्ड लाता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन आर्लो से कहता है पीछे करो इसे। आर्लो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लिजर्ड थी। फिर उसके बाद बच्चा एक बहुत बड़ा सा कीड़ा लेकर आता है। वो अपने मुंह से ही उसका सर अलहदा कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था और पौधे और दरख्त और फ्रूट्स इस तरह की चीजें खाया करता था। अब उस बच्चे को समझ आ जाती है कि इसे क्या खाना है। वो उसके लिए वही फ्रूट लाता है जो कि आर्लो ने देखा था। आर्लो क्योंकि काफी भूखा था तो उसे तेजी से खाने लगता है। अब वो बच्चा समझ आता है कि इसको क्या चाहिए, तो उसे अपने साथ एक जगह पर ले आता है जहाँ पर इस फ्रूट का दरख्त था। वहाँ पर काफी ज्यादा इस तरह की बेरीज लगी हुई थी। आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है, वो फौरन से उसकी तरफ भिड़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ नहीं आती कि क्यों रोकता है, लेकिन जब आर्लो दरख्त के पास जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है। वो आर्लो पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो जंगली बच्चा उस स्नेक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो स्नेक वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वो लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं कि तभी कुछ लकड़ियों में से और दरख्तों में से एक जायंट सा जानवर बाहर आता है जिसके सींग के ऊपर कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे। वो आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है, क्योंकि वो दोनों जानवर थे तो आपस में बातचीत कर सकते थे। आर्लो कहता है कि मुझे नहीं पता इसका नाम। तो कहता है कि चलो रख लो फिर इसका कोई नाम। आर्लो से कहता है स्पॉट, और वो जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, यानी उसे अपना नाम ही शायद अच्छा लगा होगा। आर्लो और स्पॉट में काफी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ चलने लगते हैं। आर्लो इनफैक्ट अपने घर जा रहा था लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। आर्लो अपनी टेल उस घास में घुमाने लगता है तो बहुत सारे जुगनू यानी फायरफ्लाइज उसमें से निकलते हैं। ये देख के वो पहले तो काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर आर्लो को याद आता है कि उसके फादर भी ऐसे करके आर्लो को खुश किया करते थे, तो वो दोबारा से सैड हो जाता है। आर्लो दासों के नीचे बैठ जाता है। आर्लो पांच छोटी छोटी लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में दुबा देता है। यानी आर्लो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम पांच लोग थे लेकिन मेरे फादर मर गए। जब वो स्पॉट का कोई रिएक्शन नहीं देखता तो उदास हो जाता है कि हाँ मैं किसको समझा रहा हूँ। लेकिन तभी स्पॉट पे उठता है और तीन लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है। वो दो बड़ी लकड़ियों को मिट्टी में दुबा देता है और जो छोटी लकड़ी होती है उसको देखकर उदास होने लगता है क्योंकि वो खुद ही था। उसकी बात का यह मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और वो भी अब इस दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने अगले रास्ते के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है, तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए, तो वो काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो एक दरख्त के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी जिससे वो अपने घर का पता लगा पाता। वो काफी उदास हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीब और गरीब से परिंदे नजर आते हैं, वो काफी चालाक परिंदे लग रहे थे। आर्लो उनसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो परिंदे कहते हैं अरे भाई हमें क्या पता, हमारा इसे लेना देना ही नहीं। तूफान या फ्लड में जो जानवर या परिंदे मारे जाते हैं हम तो उन्हें खाने निकले हैं। वो अजीब और गरीब दिखने वाले परिंदे उल्टा आर्लो से सवाल पूछ लेते हैं कि तुमने क्या जंगली बच्चे को देखा है, तो हमें बता दो। अब आर्लो से काफी डरा हुआ था क्योंकि उन परिंदों ने आर्लो के सामने ही एक लोमड़ी जैसे दिखने वाले छोटे से जानवर को खा लिया। आर्लो डर के बता देता है कि स्पॉट कहाँ पर है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उनके पीछे लग गए हैं तो आर्लो स्पॉट को अपनी कमर पर बिठा के जोर जोर से भागने लगता है। तभी उन दोनों के सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वो आर्लो के पेरेंट्स से भी बड़े थे, तो आर्लो काफी डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो उन दो डायनासोर का फादर था। वो आर्लो को वापस बुलाता है और कहता है कि डरो नहीं, हम भी वेजिटेरियन है। तो आर्लो उनसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ एक इशू हो गया है, मेरी भैंसों को कोई चुरा कर ले गया है, तुम दोनों पहले मेरी भैंसे ढूंढने में मदद करवाओ। अब सारे लोग मिलकर भैंसे ढूंढने लगते हैं और उनको मिल जाती है। अब वो जॉइंट डायनासोर कहता है कि इसी जगह इसी घास में जहाँ मेरी भैंसे खड़ी है इनको चुराने वाले भी है। वो आर्लो से कहता है कि तुम्हें वहाँ एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाकर चिल्लाओ ताकि जिन चोरों ने मेरी भैंसों को चुराया है वो बाहर आ जाए। आर्लो काफी डर रहा था लेकिन उसने अपने घर का पता भी ढूंढना था, तो उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। वो जैसे ही पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है तो उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती, ऐसे लगता ही नहीं कि वो डायनासोर है। तो स्पॉट उसके पांव पर जोर से काटता है और अब निकलती है आर्लो की असली आवाज और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसों को चुराने वाले बाहर निकल आते हैं जो कि उन्हीं क्रीपी परिंदों के जैसे दिखने वाले पतले पतले से डायनासोर थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वहां से वो जॉइंट डायनासोर भी आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। दोनों में काफी लड़ाई होती है। फाइनली वो पतले पतले और क्रीपी से डायनासोर वहां से भाग जाते हैं। जॉइंट डायनासोर अपनी बहन से लेके वहां से चले जाते हैं।
हैं। आठ डोर स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। फिर रात हो जाती है और आग के बैठ के वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। बड़ा डायनासोर बताने लगता है कि मुझमें बहुत पावर है और अपनी पावर की स्टोरी सुनाने लगता है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी आपकी तरह बहुत ताकतवर थे और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। वो जाइंट डायनासोर कहता है, ना बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डर किसी को ना लगता हो। डर सबको लगता है, ये तो नेचर में होता है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसको ओवरकम कैसे करना है। हाँ, अपने डर को साथ लेकर चलो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तुम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाओगे। और ज्यादा सोचो ना, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ेंगे। अब आर्लो काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सुबह होते ही वो सब इवन जॉइंट डायनासोर की भैंसें भी आर्लो को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते वो लोग इतने ऊपर पहुंच चुके थे कि उनका सर बादलों में आ रहा था। सामने उनको पहाड़ दिख रहे थे। इन्हीं पहाड़ों के साथ साथ वो नदी थी, यानी आर्लो का घर अब बहुत गरीब था। अब वो जॉइंट डायनासोर आर्लो और स्पॉट से कहते हैं कि लो बच्चों, मैंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें भी वापस जाना होगा, तुम लोग सेफली अपने घर पहुँच जाना। आर्लो बहुत खुश होता है और जंप्स लगाते हुए उस तरफ चल पड़ता है। आर्लो और स्पॉट ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगते हैं कि वो बहुत खुश थे। तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। स्पॉट काफी गौर से उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही स्पॉट उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे पकड़ लेता है और अपनी कमर पर बिठाकर आगे निकल जाता है। वो उन्हीं पत्थरों में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो क्रीपी परिंदे दोबारा आ जाते हैं। वो स्पॉट को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो बहुत कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। आर्लो अब जंगली दरख्तों में फंस चुका था बहुत बुरी तरह से। आर्लो काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसके फादर आते हैं। आर्लो जल्दी से उन दरख्तों के ट्रैप से खुद को फ्री करवाता है। वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उनको देख के कहता है कि पापा, आप वापिस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन आर्लो नोट करता है कि उस गीली मिट्टी पर उसके पांव के निशान तो पड़ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं। यानी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन उसके फादर इस इमेजिनेशन में उसे ये कह गए थे कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा। आर्लो खुद भी स्पॉट को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो उसे मिस भी कर रहा था। आर्लो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो क्रीपी परिंदे एक लकड़ी में स्पॉट को रखकर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छुपा हुआ होता है। आर्लो का पहली बार कोई दोस्त बना था, उसे ऐसी हालत में देख के उससे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पर हम आर्लो को पहली बार मैच्योर और गुस्से में देखते हैं। आर्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी फ्लड आने लगता है बहुत ज्यादा। उसके साथ हर चीज बहकर आ रही थी, लेकिन आर्लो कोई परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है। उसने स्पॉट को बचा लिया था। वो जैसे तैसे करके स्पॉट को नदी से बाहर लेकर आता है, लेकिन उसकी बॉडी खुद भी काफी ज्यादा वाउंडेड हो चुकी थी, यानी उसको खुद भी काफी चोटें आई थी। वो लोग वहां से आगे निकल पड़ते हैं। स्पॉट आर्लो के ऊपर बैठा होता है, लेकिन तभी उसे वो जंगली इंसान दोबारा दिखाई देता है। अब की बार आर्लो उसे अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो, और स्पॉट फौरन से उसकी टेल से नीचे उतर कर उस जंगली इंसान के पास भाग कर जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसकी मदर और उसके बहन भाई भी वहां पर होते हैं। स्पॉट के फादर उसे प्यार करते हैं, उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये इमोशनल सीन देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली बहुत याद आने लगती है और वो काफी उदास हो जाता है। तो स्पॉट फौरन से उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, यानी वो अभी भी आर्लो के साथ उसकी फैमिली ढूंढना चाहता था और वहां जाना चाहता था। लेकिन आर्लो उसे अपने मुंह से पीछे करते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सैडली गुड बाय कहते हैं, ना चाहते हुए भी। अब आर्लो अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है। अब आर्लो चलता रहता है और फाइनली उसे अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है। सामने से उसकी मदर और उसकी बहन और भाई भी आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, लेकिन वो सब अपनी फैमिली के लीडर यानी आर्लो के फादर को भी मिस कर रहे थे। आर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो दिन आ गया है जब तुम अपने बाप का ख्वाब पूरा करने वाले हो। उन्होंने यही कहा था ना कि जिस दिन तुम बड़ा काम करोगे उस दिन तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकोगे। तो लो, लगा लो आज फुटप्रिंट। आर्लो खुश हो जाता है, उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिया। जैसे उसके फादर चाहते थे वो आज वैसा बन गया, चाहे उसके पास नहीं लेकिन वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा और अपने पापा को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ वो अपने फादर के फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट भी लगा देता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी की स्टोरी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।